वेलकम एवरीवन। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अंडरग्राउंड केबल। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालीजिएगा अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल का मतलब क्या होता है? अंडरग्राउंड केबल का मतलब सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि यहां पे अंडरग्राउंड दिया गया है, मतलब ऐसी केबल जो जमीन के अंदर बिछाई जा रही है उसे अंडरग्राउंड केबल बोलते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, मैं पॉइंट वाइज कंप्लीट करवाऊंगा ताकि आपका जो नोट्स है वो भी बनता चला जाए। पहला पॉइंट है अंडरग्राउंड केबल्स ऑलवेज लेड अंडरग्राउंड टू ट्रांसफर पावर। अब बात ये करते हैं कि हमारे पास पहले से ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन थी, तो फिर इस अंडरग्राउंड केबल की क्या जरूरत पड़ी? तो आपने देखा होगा कि कई इंडिया में कई सारी जगह ऐसी होती है जहां पे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन नहीं पहुंच सकती। जैसे छोटी गलियां हो गई, वहां पे आपने देखा होगा कि जो बहुत ही पतली गलियां होती है दिल्ली वगैरह में, आपने देखा होगा कि जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है वो नहीं पहुंच सकती, वहाँ पे फिजिबल नहीं होता। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल आर यूज्ड वेयर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज वेरी डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। और नॉट पॉसिबल टू इंस्टॉल। वहां पे हम यूज करते हैं क्या? अंडरग्राउंड केबल। और एक चीज और जो डिफरेंस है वो देख लीजिएगा, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हम कंडक्टर को इंसुलेट नहीं करते, बट थैंक यू अमर, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर है उसको हम इंसुलेट नहीं करते, बट अंडरग्राउंड केबल का जो कंडक्टर है उसे हम हमेशा इंसुलेट करते हैं। वो आपको पता चल जाएगा जब हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिएगा। अब ये तो हमने देख लिया कि अंडरग्राउंड केबल होता क्या है, एक बेसिक सा आइडिया हमें लग गया कि अंडरग्राउंड केबल होता क्या है। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल मेड अप ऑफ सिक्स लेयर्स। अंडरग्राउंड केबल्स आर मेड अप ऑफ सिक्स लेयर्स। छह लेयर्स होती हैं किसी भी अंडरग्राउंड केबल में। कौन कौन सी? अभी हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और वेव ट्रेवलिंग का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसको हम देखेंगे बाद में, केबल के बाद, राइट।
पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेशन। कंडक्टर के ऊपर हम क्या लगाते हैं? इंसुलेशन। तीसरा, इंसुलेशन के ऊपर हम क्या लगाते हैं? सीथ। चौथा, सीथ के ऊपर हम लगाते हैं बेडिंग। बेडिंग के ऊपर लगाया जाता है आर्मरिंग। और आर्मरिंग के ऊपर जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं सर्विंग। तो बताइए, इतनी सारी लेयर की क्या जरूरत पड़ गई कि कंडक्टर, इंसुलेशन, सीथ, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, ये 6 लेयर्स हम क्यों लगा रहे हैं? हम सीधे कंडक्टर के ऊपर एक इंसुलेशन लगाते, कंडक्टर के ऊपर एक इंसुलेशन लगाते और उसे लगा देते जमीन के अंदर पावर को ट्रांसफर करने के लिए, बट हमने 6 लेयर्स लगाई है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर है उसमें एक भी लेयर नहीं होती, वो डायरेक्ट कंडक्टर ही होता है बस, उस पर इंसुलेशन भी यूज नहीं किया जाता है, बट यहाँ पे 6 लेयर यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो अंडरग्राउंड केबल है ये जमीन के अंदर बिछाई जाती है, अंडरग्राउंड होती है, तो अगर कहीं पे भी फॉल्ट आता है तो ये इसका जो रिपेयर रिपेयर करने का प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। पहले तो जमीन से निकालना पड़ेगा इस अंडरग्राउंड केबल को, जहाँ पे भी फॉल्ट आया है उसे रिपेयर करके फिर से जमीन के अंदर डालना पड़ेगा, तो ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है। इसीलिए हम 6 लेयर्स लगा देते हैं ताकि हम ये कोशिश करते हैं कि फॉल्ट आए ही ना, क्योंकि हर एक लेयर दूसरे लेयर को प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए इतनी सारी लेयर्स हम लगाते हैं अंडरग्राउंड केबल के केस में। चलिए अब देखिए, अगर इंसुलेशन प्रेजेंट नहीं है, अगर कंडक्टर के बाद हमने इंसुलेशन का सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंसुलेशन, तो अगर हमने कंडक्टर के बाद इंसुलेशन नहीं लगाया तो क्या होगा? कंडक्टर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा अर्थ के। मैं आपको लिखवा देता हूं, इफ इंसुलेशन इज नॉट यूज्ड, देन द कंडक्टर विल केम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ग्राउंड। कॉल्ड एज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये फॉल्टी कंडीशन को अराइज करेगा अगर हमने इंसुलेशन को नहीं लगाया या लगाना भूल गया, या बाई चांस हमने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे नहीं लगाया इंसुलेशन, तो सीधे कंडक्टर कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड से और ये एक्ट करेगा एक लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की तरह, जिससे जो भी कंडक्टर की करंट होगी वो हमारे लोड तक ना पहुंच के ग्राउंड में चली जाएगी। इसीलिए जो इंसुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंसुलेशन अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें इसका प्रॉपर्टी भी देखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम अंडरग्राउंड केबल में लगाते हैं। तो पहला क्या होनी चाहिए इस तरह से, तो पहला, द इंसुलेशन मस्ट बी केमिकली इनएक्टिव, इट मस्ट बी केमिकली इनएक्टिव। अब केमिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है? कि जैसे हमने अपनी अंडरग्राउंड केबल को जमीन में लगाया हुआ है, जमीन में डाल के पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अर्थ की सॉइल में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं, तो उन सॉइल के केमिकल से ये इंसुलेशन रिएक्ट ना करे, राइट? इसके लिए जो प्रॉपर्टी है इंसुलेशन की वो क्या होनी चाहिए? केमिकली इनएक्टिव मतलब सॉइल के जो केमिकल्स हैं उनके कांटेक्ट में आने के बाद भी ये जो इंसुलेशन है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये इनएक्टिव रहना चाहिए पहले की तरह। सो इट मस्ट बी केमिकली इनएक्टिव।
दूसरा ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक। नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि ये जो इंसुलेशन है ये जमीन में हमने लगाया हुआ है अंडरग्राउंड केबल को, तो उस मिट्टी से जो भी मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। मीन्स इट शुड नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर और वाटर फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए ये इंसुलेशन जो हमने अंडरग्राउंड केबल में लगाया है। तो ऐसा क्यों है? अगर एब्जॉर्ब कर भी लेता है तो क्या होगा? तो हम जानते हैं मॉइस्चर या जो वाटर है वो कंडक्टिंग मीडियम की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा अगर इसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस अगर कम हो गया है तो जो कॉन्टेक्ट है कंडक्टर और ग्राउंड के बीच का वो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम कंडक्टर टू ग्राउंड। तो इसका रीजन लिखते जाइएगा। थर्ड, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मस्ट बी हाई। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई क्यों होनी चाहिए जो हम इंसुलेशन यूज कर रहे हैं? तो हमने पढ़ा है कि जो पावर है वो हमेशा हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर करते हैं हम। जो पावर है वो हमेशा हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर किया जाता है। आपको पता होगा इसके पीछे का रीजन, क्योंकि पावर अगर कॉन्स्टेंट है तो वोल्टेज अगर हाई है तो करंट लो हो जाता है, जिसकी वजह से आई स्क्वायर आर लॉस कम हो जाता है। तो हमेशा जो पावर है वो हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर किया जाता है। और हम जानते हैं कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो वो इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ओवरकम कर जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन हो जाएगा। और एक बार इंसुलेशन का ब्रेक डाउन हो गया तो जो इंसुलेशन है वो कंडक्टिंग मीडियम की तरह काम करने लगता है। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा, पावर मस्ट बी ट्रांसफर एट हाई वोल्टेज पावर मस्ट बी ट्रांसफर एट हाई वोल्टेज टू रिड्यूस आई स्क्वायर आर लॉसेस। सो इफ वोल्टेज इज हाई देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई देयर मे बी चांस दैट द इंसुलेशन ब्रेक्स डाउन। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? इंसुलेशन का ब्रेक डाउन। और इंसुलेशन का ब्रेक डाउन अगर हो गया तो आफ्टर ब्रेक डाउन इंसुलेशन स्टार्ट कंडक्टिंग करंट। राइट, तो हम क्या चाहते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इंसुलेशन की वो ज्यादा हो, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा भी है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ओवरकम ना कर पाए और ब्रेक डाउन से बचा रहे हमारा इंसुलेशन। चौथा, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेशन क्या होनी चाहिए?
फोर्थ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इंसुलेशन इंसुलेटर रेजिस्टेंस मस्ट बी हाई, इंसुलेटर रेजिस्टेंस मस्ट बी हाई। इंसुलेटर रेजिस्टेंस हाई होने से क्या फायदा हो रहा है हमें? तो हम जानते हैं कि कंडक्टर से अर्थ में कुछ अमाउंट की लीकेज करंट फ्लो होती है, तो वो लीकेज करंट क्या होती है? फेज करंट, फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम है या इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई है तो लीकेज करंट कम फ्लो होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करंट हमारी लोड तक पहुँचेगी और जो लीकेज करंट है वो डिक्रीज हो जाएगी अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई है तो। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ, पांचवा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्या है? द इंसुलेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, द इंसुलेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी। बिकॉज अगर इम्प्योरिटी बढ़ती है इम्प्योरिटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है? सेमीकंडक्टर में आपने देखा होगा अगर इम्प्योरिटी बढ़ती है तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसीलिए इम्प्योरिटी बढ़ाने के लिए हम सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं, राइट? वो सेम एक ही बात है। तो यहाँ पे हम नहीं चाहते कि इम्प्योरिटी बढ़े ताकि इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो, और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लीकेज करंट बढ़ जाएगी, इसीलिए इंसुलेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी। अब बात करते हैं ये इंसुलेशन किन किन मटेरियल्स के बने हो सकते हैं। सो व्हाट मटेरियल्स कैन बी यूज्ड एज इंसुलेटर्स? तो कुछ मटेरियल्स मैं बता रहा हूं, जैसे पहला है इम्प्रिग्नेटेड पेपर, इम्प्रिग्नेटेड पेपर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे पीवीसी भी बोलते हैं। तीसरा है वल्कनाइज्ड रबर, चौथा है क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन, ये सारे इंसुलेटर्स या ये सारे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं एज अ इंसुलेटर इन अंडरग्राउंड केबल। अब मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 हमारे पास लेयर्स हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सीथ, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। तो टोटल 6 लेयर्स कौन कौन सी हैं? 1, ये मैंने रफ सा डायग्राम बना दिया है। पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर, तीसरा है सीथ, चौथा है बेडिंग
पांचवा है आर्मरिंग, छठवां है सर्विंग। तो टोटल 6 लेयर की हमारी अंडरग्राउंड केबल बनी होती है। तो पहला है कंडक्टर। कंडक्टर का बारे में हमें पता है कि कंडक्टर हम कॉपर या एल्यूमिनियम का यूज़ करेंगे। दूसरा है इंसुलेशन। तो इंसुलेशन मैंने आपको बता दिया है कि इंसुलेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किस मटेरियल का बना होता है। तीसरा हम देखते हैं सीथ। सीथ क्या होता है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा सीथ। सीथ तो सीथ का काम होता है इंसुलेशन तक मॉइस्चर को जाने से रोकना। सीथ प्रिवेंट एनी मॉइस्चर टू एंटर द इंसुलेशन। सीथ का काम ये होता है कि ये कोई भी मॉइस्चर को इंसुलेशन तक पहुंचने से रोके। सीथ बनी होती है एल्यूमिनियम या लेड की। सीथ इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और लेड। सीट के बाद नंबर आता है बेडिंग का। बेडिंग जो होती है वो सीट को बचाती है किससे, मॉइस्चर से या कोरोजन से। बेडिंग प्रिवेंट द सीट फ्रॉम कोरोजन। राइट, बेडिंग बना किससे होता है, बेडिंग इज मेड अप ऑफ फाइब्रस मटेरियल। बेडिंग इज मेड अप ऑफ फाइब्रस मटेरियल लाइक कॉटन, जूट एसेट्रा। तो बेडिंग एक फाइब्रस मटेरियल का बना होता है जैसे कॉपर या जूट। बेडिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट द सीथ फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। बेडिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट सीथ फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। मतलब ये अंडरग्राउंड जो केबल हमने लगाया हुआ है वो अंडरग्राउंड है, तो कभी केबल को निकालते टाइम या उसको लगाते टाइम किसी भी फोर्स की वजह से जो सीथ है वो टूट ना जाए, क्योंकि वो लेड की भी बनी होती है, इसीलिए बेडिंग हम लगाते हैं। बेडिंग का एक काम होता है कि मैकेनिकल किसी भी तरह की मैकेनिकल इंजरी से सीथ को बचाना। तो बेडिंग के दो काम मैंने आपको बताए, ये सीथ को कोरोड होने से बचाता है, कोरोजन से बचाता है, प्लस उसे मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। चलिए अब नेक्स्ट जो बेडिंग के ऊपर की लेयर है वो क्या है, आर्मरिंग। आर्मरिंग का काम क्या होता है, थैंक यू राहुल। आर्मरिंग का काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द होल केबल। प्रोटेक्ट्स द होल केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी।
जो आर्मरिंग है वो पूरे केबल को मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, क्योंकि पूरे केबल को ट्रांसपोर्ट करते टाइम या उसको लेइंग डाउन या बिछाते टाइम क्या होता है, बहुत तरह का जो रेडियल फोर्सेस है या कुछ तरह के फोर्सेस है जो लगते हैं, जो उसे मैकेनिकल इंजरी प्रोवाइड कर सकते हैं, उस मैकेनिकल इंजरी से कौन बचाता है? आर्मरिंग। तो आर्मरिंग जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो, या आर्मरिंग का मतलब ही ये होता है कि बाहरी प्रोटेक्शन, राइट। तो ये पूरे केबल को मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। तो जो आर्मरिंग है वो किससे बनी होती है? ये बनी होती है गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर और स्टील टेप से। आर्मरिंग इज मेड अप ऑफ, आर्मरिंग इज मेड अप ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर और स्टील टेप, राइट। और जो आउटर मोस्ट लेयर है अब केबल की, वो कौन सी है? सर्विंग, सिक्स्थ लेयर, ये है सर्विंग। तो जो सर्विंग को हम आउटर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ केबल का नाम क्या होता है, तो ये होता है सर्विंग। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ केबल। सर्विंग का काम क्या होता है? सर्विंग का काम क्या होता है कि ये आर्मरिंग को कोरोड होने से बचाती है। मैंने आपको बताया था हर लेयर एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रही है, तो इट प्रोटेक्ट्स आर्मरिंग फ्रॉम बीइंग कोरोड। अब नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताइए, क्या जो सिंगल कोर केबल है एसी सिस्टम में, या आगे हम पढ़ेंगे, तो जो सिंगल कोर सिस्टम है उसमें हम आर्मरिंग प्रोवाइड नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? आर्मरिंग नॉट प्रेजेंट इन सिंगल कोर केबल, ये आप लोगों से क्वेश्चन है, इसको सर्च करिए, होमवर्क है, राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में इसका, इससे खुद से सर्च करिए पहले। क्लासिफिकेशन ऑफ केबल या क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल, क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। पहला है लो वोल्टेज केबल, लो वोल्टेज केबल होता है अप टू 11 केवी। कोरोडन, कोरोड का मतलब होता है हमारा जंग लगना, कोरोड का मतलब है जंग लगना। राहुल का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लो वोल्टेज केबल जो होता है वो 11 केवी तक के लिए होता है, अप टू 11 केवी। दूसरा हाई वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज केबल होता है अप टू 30, इसको हम बोल सकते हैं सॉरी, ये 1 केवी होगा। हाई वोल्टेज केबल 11 केवी तक होता है। तीसरा होता है सुपर टेंशन केबल,
सुपर टेंशन केबल होता है अप टू 33 केवी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल ये होता है 66 केवी तक, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल। ये होता है 132 केवी तक, राइट। अब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड केबल? डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड अंडरग्राउंड केबल। तो देखिए हम क्या जानते हैं, मैंने इंडक्टेंस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के केस में मैंने आपको इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या डिराइव कराया था, L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ln GMD अपॉन GMR। अगर वो वाला लेक्चर आपने स्टार्टिंग का देखा होगा तो अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है, अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है, जैसे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ये आपके 3 कंडक्टर्स हैं 3 फेज के, तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, बट अंडरग्राउंड केबल में सारे कंडक्टर्स पास पास में होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं एक तरह से। तो अंडरग्राउंड केबल में क्या है, जो GMD है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, मतलब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच की जो दूरी है वो डिक्रीज हो गई। तो GMD अगर डिक्रीज हो गया अंडरग्राउंड केबल के लिए बता रहा हूँ, तो इंडक्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज। तो यहां से हमें क्या पता चला, इंडक्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल is less than inductance of overhead line। चलिए कैपेसिटेंस मैंने क्या प्रूव करा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो C is equal to 2 pi epsilon 0 अपॉन ln GMD अपॉन GMR। मैंने आपको अभी बताया कि अंडरग्राउंड केबल में कंडक्टर्स बहुत पास पास होते हैं, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस कम हो गई, मतलब पूरे डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो गई, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल UG केबल इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ ओवरहेड लाइन, और ये ग्राउंड से भी बहुत पास में होते हैं, इनफैक्ट ग्राउंड में ही होते हैं अंडरग्राउंड केबल। तो ग्राउंड भी एक तरह का प्लेट की तरह काम करता है। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से ग्राउंड के बीच की दूरी देख लीजिए, और जो अंडरग्राउंड केबल है उसके कंडक्टर से ग्राउंड के बीच की दूरी देख लीजिए, आपको इफेक्ट पता लग जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। चलिए अब कैपेसिटेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल ज्यादा है कैपेसिटेंस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से, तो अब मुझे बताइए ट्रांसमिशन लाइन में जब मैं आपको पढ़ा रहा था शॉर्ट और मीडियम अभी तक हमने कंप्लीट किया, लॉन्ग बचा हुआ है, तो चार्जिंग करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा था, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस, सोचिए। चार्जिंग करंट फ्लो हो रहा था कैपेसिटेंस की वजह से। अब अंडरग्राउंड केबल में कैपेसिटेंस ज्यादा है, मतलब चार्जिंग करंट भी ज्यादा होगा,
तो चार्जिंग करंट इन अंडरग्राउंड केबल, चार्जिंग करंट इन अंडरग्राउंड केबल इज ग्रेटर देन, चार्जिंग करंट इन ओवरहेड लाइन। अब बताइए चार्जिंग करंट ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा था, हमें मिल रहा था फेरेंटी इफेक्ट मिल रहा था। तो फेरेंटी इफेक्ट इन अंडरग्राउंड केबल इज ग्रेटर देन फेरेंटी इफेक्ट इन ओवरहेड लाइन। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो एमसीक्यूज के फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अब मैंने आपको बताया कि इंडक्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल is less than inductance of overhead line। अब XL क्या होता है, X is equal to omega L। अगर L कम है underground cable का तो X भी क्या होगा, कम होगा। नहीं ईशान, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, एक की फ्लक्स दूसरे को जाके कट करेगी, उसके करंट को इफेक्ट करेगी। बट अगर थ्री फेज लाइन है, तो मैंने आपको बताया था ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर में कि अगर थ्री फेज लाइन है तो क्या होगा, सब फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे सेम कॉन्सेप्ट ले लीजिए आप, जैसा मैंने आपको बताया था कि थ्री फेज लाइन के बगल से अगर एक टेलीफोन लाइन जा रही है, राइट, तो एक अनट्रांसपोज्ड लाइन अगर है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, बट अगर ट्रांसपोज्ड लाइन है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल द सम ऑफ फ्लक्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि थ्री फेज करंट का जो सम है तीनों फेज का वो जीरो होता है, तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगी तीनों फेज का सम, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर ट्रांसपोज है तो। चलिए, अगर इंडक्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल कम है तो एक्स की वैल्यू यानी कि रिएक्टेंस कम हो जाएगा, और हमने पढ़ा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, कल ही हमने देखा था क्या हो जाएगा, Vs Vr अपॉन x। यहां पे अगर x की वैल्यू कम है फॉर अंडरग्राउंड केबल तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब बताइए P max फॉर अंडरग्राउंड केबल is greater than P max of overhead line। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किसमें ज्यादा होता है। और मैंने आपको कल ही बताया था, कल की क्लास में, कि मैक्सिमम पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। मतलब मैक्सिमम पावर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अब बताइए अंडरग्राउंड केबल की स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट ज्यादा होती है या ओवरहेड लाइन की। तो अंडरग्राउंड केबल की स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट for UG cable is greater than steady state stability limit for overhead line, right? अब एक और चीज देखते हैं, characteristic impedance। ये हम पढ़ेंगे जब traveling wave of transmission line देखेंगे तब, क्योंकि अभी हम दो topic हमने अभी नहीं पढ़ा है,
पहला लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा ट्रेवलिंग वेव्स इन ट्रांसमिशन लाइन, राइट। उसको अभी हमें पढ़ना है, इसके बाद हम उसे देखेंगे। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है वो होता है अंडर रूट एल अपॉन सी। तो अब मुझे बताइए, अंडरग्राउंड केबल के केस में मैंने अभी आपको बताया कैपेसिटेंस ज़्यादा है, इंडक्टेंस कम है, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या हो जाएगा, कम। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ यूजी केबल इज लेस देन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ ओवरहेड लाइन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हमें पता है सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, ये भी, ये दोनों जो टर्म्स हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस और सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक के बाद जब हम ट्रेवलिंग वेव्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे जाएंगे। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, जिसको हम SIL से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है V स्क्वायर अपॉन सर्ज इंपीडेंस। ये फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे आगे। तो केबल का ZC यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कम है, तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या है, ज्यादा होगा। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल इज ग्रेटर देन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग ऑफ ओवरहेड लाइन। तो इसको मैं अभी अगर डिटेल में आपको बताऊंगा तो आप उतनी अच्छे से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये आगे हमारा आने वाला टॉपिक है, इसको मुझे पहले करवाना चाहिए था, बट थोड़ी सी गलती हो गई, चलिए। बट यहाँ पे सर्ज इंपीडेंस लोडिंग से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये लोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोडिंग यानी कि लोड। अब मुझे बताइए कि अगर लोड ज़्यादा है तो करेंट ज़्यादा होगा या कम होगा। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग अंडरग्राउंड केबल की ज्यादा है, तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग ज्यादा होने की वजह से करंट ज्यादा फ्लो होगा, करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो आई स्क्वायर आर लॉस ज्यादा होगा, आई स्क्वायर आर लॉस ज्यादा है तो हीट ज्यादा डिसिपेट होगी। अब क्योंकि जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें 6 लेयर्स हैं, तो हीट को डिसिपेट होने में बहुत प्रॉब्लम होगी, राइट। हीट आसानी से आउटर एनवायरनमेंट में डिसिपेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो हीट लॉस है वो हो कहाँ रहा है, कंडक्टर में, कंडक्टर के बाद वापस से हमने 6 लेयर्स लगाई हैं, तो ये आसानी से हीट आउटर एनवायरनमेंट्स में जा नहीं पाएगी। इसीलिए कहीं ये जो केबल है ये इतनी ज़्यादा हीट ना हो जाए कि पूरा डैमेज ही हो जाए, इसीलिए हम सर्ज इंपीडेंस लोडिंग को कम रखते हैं अंडरग्राउंड केबल में, राइट। तो जो केबल है वो हमेशा सर्ज इंपीडेंस लोडिंग से कम लोडिंग पे ऑपरेट करी जाती है, ये याद रखिएगा। अभी मैं नहीं हूं वहां पे राहुल, चलिए। ये इतना बात हमें पता चल गया। अब हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, फॉर्मूला फॉर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल। फॉर्मूला फॉर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल। तो देखिए, अगर कोर का या किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, तो हम बता सकते हैं क्या, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए फॉर एनी कंडक्टर। बट क्या इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए भी ये ट्रू होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए उसको हम डिराइव करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इनलार्ज्ड इमेज बना रहा हूं, ये हमारा कोर है या कंडक्टर है, कोर के बाद हम क्या कनेक्ट करते हैं बताइए, कोर के जस्ट बाद हम लगाते हैं इंसुलेशन की लेयर। तो ये वाली जो लेयर है ये है इंसुलेशन की। तो इंसुलेशन
का छोटा सा हिस्सा हम कट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा हिस्सा हमने कट कर लिया अपने एनालिसिस के लिए। कट दिस स्मॉल पार्ट या स्मॉल सेक्शन ऑफ इंसुलेशन। तो देखिए, मैंने आपको बताया होगा कि आई थिंक अभी तक नहीं बताया है कि जो कोर से लीकेज करंट, अब ये तो ग्राउंड से कनेक्टेड है, बाहरी जो भी लेयर्स हैं वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो कोर से हमेशा लीकेज करंट ग्राउंड से फ्लो होती है। तो लीकेज करंट का डायरेक्शन ये होता है रेडियली आउटवर्ड्स। ये लीकेज करंट का डायरेक्शन होता है क्योंकि लीकेज करंट हमेशा कंडक्टर से ग्राउंड में फ्लो होती है। तो लीकेज करंट ऑलवेज फ्लोज, लीकेज करंट ऑलवेज फ्लोज रेडियली आउटवर्ड्स। तो मान लेते हैं यहां से एक करंट निकल रही है आई, लीकेज करंट आई यहां से जा रही है, तो हमने एक छोटा सा हिस्सा कट कर लिया है इंसुलेशन का, ये जो शेडेड रीजन आप देख रहे हो। तो मान लेते हैं इस शेडेड रीजन की जो लेंथ है वो है डीएक्स, डीएक्स, डीएक्स क्या है, रेडियल लेंथ ऑफ शेडेड रीजन। हमें पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर का हमें फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का, रो एल अपॉन ए। बट हम यहाँ पे इस इंसुलेशन का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। इस इंसुलेशन को स्टडी करने के लिए हमने इस इंसुलेशन का छोटा सा हिस्सा कट कर लिया है। तो मान लेते हैं कि अगर पूरे इंसुलेशन का रेजिस्टेंस R है, तो इस छोटे से हिस्से का जो हमने कट किया हुआ है उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं क्या हो जाएगा, डी आर, यानी कि स्मॉल रेजिस्टेंस। आर इज इक्वल टू रो, दैट इज रो इंसुलेशन, एल लेंथ ऑफ इंसुलेशन, यानी कि ये जो करंट है वो कितनी लेंथ को क्रॉस कर रही है, कोर से ग्राउंड में जाते वक्त वो कितनी लेंथ को क्रॉस कर रही है इंसुलेशन के, तो ये dx लेंथ को क्रॉस कर रही है। तो dx अपॉन एरिया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो हमने कट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई x इंटू एल, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल टाइप का एक सेक्शन फॉर्म करेगी। आप देखिए जो जो केबल है वो बिल्कुल लंबी होती है, तो ये तो हमने फ्रंट व्यू लिया हुआ है इंसुलेशन के क्रॉस सेक्शन का। अब अगर आप पीछे पीछे से बढ़ाते जाओ तो एक सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने ले लिया 2 पाई एक्स एल, तो हमें छोटे से हिस्से का रेजिस्टेंस पता चल गया। अब हम टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने पे हमें ये मिल जाएगा आर रो इंसुलेशन अपॉन 2 पाई एल इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। अब हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, तो वो देख लीजिए, कोर का रेडियस मान लेते हैं कि स्मॉल आर है, और कोर से लेके इंसुलेशन के सरफेस तक का रेडियस है कैपिटल आर। तो अगर हम स्मॉल आर से, मतलब यहां से कैपिटल आर तक को इंटीग्रेट कर दें, तो इतनी दूरी का हमें इंसुलेशन पता चल जाएगा। तो लिमिट हम क्या रखेंगे, स्मॉल आर से कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंसुलेशन
एक सेकंड, एक पेन काम नहीं करता है। रो इंसुलेशन अपॉन 2πL, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x का इंटीग्रेशन ln x r से r, r इज इक्वल टू रो इंसुलेशन अपॉन 2πL, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln r माइनस ln r, तो रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन क्या हो जाएगा, रो ऑफ इंसुलेशन अपॉन 2πL ln r by r, लॉग की प्रॉपर्टी से। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यह इंसुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर केबल की लेंथ हम बढ़ाते जाते हैं तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, बट अगर हम कंडक्टर की बात करें तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, मतलब कंडक्टर की अगर लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, बट केबल के केस में उल्टा है कि अगर लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो लीकेज करंट यानी कि जो करंट कंडक्टर से ग्राउंड में फ्लो हो रही है वो बढ़ जाएगी। तो यहां से आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें क्वेश्चन भी आता है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है एसी में कि अगर 50 किलोमीटर की लेंथ है अगर किसी भी केबल का, उसका रेजिस्टेंस है 100 मेगावाट, तो 100 किलोमीटर लेंथ ऑफ लाइन के लिए रेजिस्टेंस ऑफ केबल कितना होगा, तो ये आपका होमवर्क है। नॉर्मली याद रखिएगा ये कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर में रेजिस्टेंसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो ये आप करके बताइएगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहाँ से रिपीट करना है, आप एक एरिया बताया करो, इंसुलेशन रेजिस्टेंस तो कब से चल रहा है तो कहाँ से मुझे रिपीट करना है, या आप अभी रिकॉर्डिंग देख ही लीजिएगा, उसमें कहीं पे डाउट हो तुरंत पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम को भी हम रखते हैं क्लास, क्योंकि पावर सिस्टम बहुत पीछे चल रहा है, पावर सिस्टम की क्लास अभी इवनिंग में भी होगी 6 to 7, क्योंकि पावर सिस्टम हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट टॉपिक होगा शाम को।